ਉਦੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਲੱਸੀ ਇੱਧਰ ਭਾਜੀ ਦੋ ਲੱਸੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਟਾਫਟ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਮੰਮਾ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰੇਟ ਉਹੀ ਹੈ 20 ਰੁਪਏ ਤੇ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਪੈਸੇ 10 ਰੁਪਏ ਅਗਲ ਮੈਂ 10 ਹੀ ਦੇ ਜਾ 10 ਦੇ ਖਾ ਲੈ ਉਨਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜਿਹਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਨਾਂ ਹੀ 10 ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੋ ਆਪ ਸਭੀ ਕਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਈ ਤੜਕਤੀ ਫੜਕਤੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭੀ ਕਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਹਮ ਆਪ ਕੋ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕੇ ਰਾਜਮਾ ਚਾਲ ਖਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਸ ਕੇ ਲਈ ਲੋਕ ਬਹੁਤ دیਵਾਨੇ ਹਮ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 50 ਸੇ 100 ਲੋਕ ਇਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਖੜੇ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜੀਆ ਬੜੀਆ ਰਾਜਮਾ ਚਾਲ ਇਧਰ ਆਪ ਕੋ ਮਿਲਨੇ ਜਾ ਰਹੇ लुधियाना में पहुंच चुके जहां पर आपको शर्मा जी के बहुत ही बढ़िया बढ़िया आपको राजमा चावल कड़ी चावल मिलने जा रहे हैं तो सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। सर एक काम किवें स्टार्ट होया थोड़ा दसोगे? सर 14-15 साल हो गए सर यही काम कर दिया। अच्छा 14-15 साल। हाँ जी। हाँ सर राजमा चावल कड़ी चावल का ही शुरू किया कम दो महीने स्टॉक एक्सचेंज नौकरी की थी उस तो बाद फिर इतने शुरू कर लिया तो अपना ठीक चलता पाया काम। कितने साल में शुरू किया राजमा चावल? 2007 से शुरू किया सर। 2007 ध्यान रखियो दो ढाई मैक्सिमम है दो ढाई बजे में कुछ नहीं मिलना सब बर्तन बांटे सब साफ हो जाने लोकी तो आड़ी रिकमेंडेशन करते कि कहें कि भाजी को जाओ शर्मा भाजी तो जो कि राजमा बहुत चावल या कड़ी चावल बहुत स्वाद देंगे कि कारण की है बस घर का खाना जी मम्मी बनाते हैं। अच्छा मम्मी के हाथ का प्यार है जिस करके लोग इतने आते हैं। हाँ जी हाँ जी देखो जी कद कोई भी नवा काम शुरू करता तो थोड़ा ही लैके आता हौली हौली काम की स्पीड बढ़ती जिदा का टेस्ट देगा उदा का काम निकलेगा जी। तो सर प्रैपरेशन किवें स्टार्ट होंगी है कि बनाने सवेरे जी 5 बजे उठते हैं सर। अच्छा जी 5 to 10 बजे तक मतलब 4-5 घंटे लग जाते हैं तैयारी में की पाने तड़के वगैरह लाई दी वधिया मम्मा ही बनाते हैं मैं नहीं बनाता जी मैं तो सिर्फ कटिंग करता हूँ। अच्छा जी सब्जियों की कटिंग वगैरह सारी तुम करते हो बाकी हाथ में हुनर है मम्मी दे क्या बात है जी मम्मी का पूरा पूरा स्वाद है मतलब ये कह सकते गरज जैसा खाना आपको मिलने वाला। और एक केड़े राइस है ये बासमती पौना भाजी ये तो एक प्लेट है लस्सी भी है काफ़े कपूल तो 2 लस्सी 90 रुपये हो गए सर बस एक तो कस्टमर नाल प्यार है जी पुराने कस्टमर लगे हुए हैं सर एक अपना सर नाल वधिया है कि मैं 2007 च मेरा रेट सीगा 20 रुपये तो 30 रुपये अज भी मेरा रेट उही है 20 रुपये तो 30 रुपये मतलब 20 रुपये में राजमा चावल। हाँ जी हाँ जी भाजी बचता की है वधिया सोहना काम है जी नहीं मतलब इन्नी महंगाई में ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੱਸੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਬਚਦਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਘਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਇੱਕ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕੋ ਕੋ ਆਪਨੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਂਦੇ ਆ ਸਰ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੋ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਦੇ ਦਈਦੇ ਆ ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਪੈਸੇ 10 ਰੁਪਏ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਰੁਪਏ 10 ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੈ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ 10 ਹੀ ਦੇ ਜਾ 10 ਦੇ ਖਾ ਲੈ ਉਨਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਈਦੇ ਆ ਜਿਹਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਨਾਂ ਹੀ 10 ਦੇ ਦੇਣਾ ਮਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 13-13 ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਦਿੱਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਬਸ ਸਰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ 20-30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈਗੀ ਰਾਜਮਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਇਹ ਰਾਜਮਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਸਾਲੇ ਪਏ ਥੋੜੇ ਦੱਸੋਗੇ? ਆਪ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਸਰ ਸਾਬਤ ਮਸਾਲੇ ਲੈ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਘਰੇ ਮਿਕਸੀ 'ਚ ਗ੍ਰਾਇੰਡ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਵਗੈਰਾ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਣਾਉਂਦੇ। राजमा ते कड़ी कड़ी बनाने हो? कड़ी लस्सी दी बनाने सर पूरा खट्टे दही दी। हाँ जी हाँ जी लस्सी दी सर लस्सी दी एक प्लेट लस्सी भी दो फुल ते दो 80 सर आपां लोकल इत्थे फिरोजगंज दी मार्केट ही बेसिकली इत्थे ही वर्किंग है ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਈਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਚੇਂਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਬਟ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟ ਹੈ ਰਾਜਮਾ ਚਾਵਲ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ ਹਾਂ ਬਟ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਾਈਜ਼ ਸਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ 30-40 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲੇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਕਿਤੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਸ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਰੇਟ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ सर अपना हाफ प्लेट 20 रुपए फुल प्लेट 30 रुपए की मोटर लेके चले बस रेट यही रखना जी फिलहाल तक कहने मतलब जब तक बचता पे उदो तक तो यही रखा जी ते उस बाद थोड़ा बता देंगे देखो तो बाद दी गल फिलहाल तो सोचे नहीं बता कोई भी काम कल नहीं होता सर जी
हाँ जी नाल तो हेल्प चाहिए थी है ना हाँ कोई गल तो पूरा सपोर्ट मम्मा करते हैं कड़ी भी नाल ना चोरी कर लो कभी कड़ी कर लो सर वकील साहब है काफी टाइम लॉन्ग टाइम तो आ रहे हैं मेरे को क्या बात है सारे पीछे वकील मैं पीछे आ देख सकते रश लोगों का लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं इन्होंने और सर दी स्पीडा चेक कर सकते बहुत स्पीडा में लगे हुए हैं मतलब आइडिया किवें आया राजमा चावल कड़ी चावल वेचन का सर मैं नौकरी करता जी कंटीन अच्छा कंटीन जी नौकरी करते थे उस बार सोचा कि अपना ही काम कर लिए हाँ जी हाँ जी और भाई साहब ये राजमा चेक कर सकते एकदम लाली शाही हुई है मम्मा के हाथ के बने पाजी की मम्मा बनाते राजमा और कड़ी मतलब घर जैसा टेस्ट मिलने वाला है और ये चेक करो कड़ी गर्मा गर्म कड़ी सर्दियों का मौसम आ चुका है तो सर्दियों में गर्मा गर्म चीजें खाने का जो नज़ारा है बहुत ही अमेजिंग और ये चेक करो लास्ट में इसमें प्याज और पुदीना चटनी भी डाली जाती है सर पुदीना चटनी भी खुद बनाने हाँ जी हाँ जी हाँ जी ये भी मम्मा बनाते हैं ये मैं बनाता हूँ ये तुसी बनाने हो सारी चीज़ें मम्मा बनाते हैं सिर्फ चटनी तुसी बनाने हो चटनी प्याज वगैरह की कटिंग तड़के तुड़कियाँ की कटिंग मैं ही करता सर क्या बात है जी और सर चटनी के की पाया होंगे चटनी जी टमाटर प्याज तो ग्रीन रंग किता है मतलब धनिया पुदीना ओके धनिया पुदीना वाली तो बिच टमाटर प्याज भी पाया हुआ है और आ चेक करो मतलब मिक्स प्लेट भी ले लो सिंपल प्लेट ले लो जितना मर्जी ले लो हाँ जी हाँ जी और रेट है 20 रुपए 30 रुपए और भीड़ चेक कर सकते लोग एंजॉय कर रहे हैं कड़ी चावल और राजमा चावल ये चेक करो भाजी गपा गप रश भरा हुआ है भाई ये चेक करो आज मैडम जी तो भाई साहब ये हमारी प्लेट लगकर आ चुकी है 15 से 20 मिनट वेट करना पड़ता है क्योंकि ना इधर बहुत रश है और मतलब 2 बजे के बाद मत आना क्योंकि ना इधर इनका सारा सामान ख़त्म हो जाता है और ये चेक करो पकोड़ा मतलब कड़ी में पकोड़ा भी डाला गया एक पकोड़ा दिया जाता है 30 रुपये में और एकदम सॉफ्ट है चमचा एकदम घुल जाता है इसके बीच में पकोड़ा का साइज चेक करो 30 रुपये में आपको एक पकोड़ा दिया जाता है और अगर पकोड़ा ज़्यादा लेना चाहते हो तो 10 रुपये का एक और पकोड़ा ले सकते हो मतलब एक पकोड़े का रेट 10 रुपये है कड़ी चेक करना एकदम खट्टे दही की लस्सी से मतलब कड़ी बनाई जाती है और प्लस ये चेक करना और ये भाजी की स्पेशल पुदीना चटनी और ये राजमा चावल की बात करूँ ये चेक करो गाढ़े गाढ़े तिक तिक राजमा है लाल रंग के राजमा है सब्सक्राइब बटन भी लाल रंग का उसको दबाकर यार अपने भाई को सपोर्ट करो इसको हम टेस्ट करते हैं ये चेक करो भाजी नज़ारा ले आंदा मैं कह पूरा पूरा आशिकी वाले राजमा चावल है भाई साहब जो ना मतलब इसके बीच में करंट मिल रहा है चटनी का अल्टीमेट शब्द मुक गए हैं मतलब बहुत ही अल्टीमेट टेस्ट आ 20-30 रुपये में प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि इकनोमिकल रेट में मेरे ख्याल में 50 रुपये की पूरी मार्केट में जो जाइए तो प्लेट मिलती 50-60 रुपये की पर 30 रुपये में दे रहे हैं मैं शब्द बयान नहीं भाजी सल्यूट है जो कि इन्ने किफायती दाम से इन्ना बढ़िया जायका दे रहे हैं तुम भी ट्राई कर सकते हो फिरोज गांधी मार्केट नियर फैडरल बैंक वो ओपोजिट है तो उत्थे आके इन्होंने को कड़ी चावल राजमा ट्राई कर सकते हो 1 बजे तो लैके 2-3 बजे तक होंगे आ तो थोड़ा जल्दी आ जाओ नहीं तो इन्होंने राजमा चावल कड़ी चावल खत्म हो सकते हैं और थोड़ी वेटिंग करन तो तुहानू इन्ने बढ़िया जायका मिले तो मैं कहा नज़ारा आंदा और ये बिल्डिंग याद रख लेना बिल्डिंग के बिल्कुल सामने भाजी की जो काट है वो लगती है